साथियों, आज यूपी का किसान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या फिर माताएं बहनें बेटियां, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है, ऐसी अनुकूल सरकार उनको चाहिए कि उनको उनके अपने खेल खेलने में सुविधा हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके कर्तव्य, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत है। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है और इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान है, बहुत सतर्क है। उत्तर प्रदेश की जनता वो पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। हमारा काम और उनके कारनामे, उनकी कारस्तानी, ये सब देखकर इस बार भी यूपी की जनता भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने आ रही है और इसमें भी जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, वे तो उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। भाजपा की सरकार बना के लिए वो खुल करके भाजपा के साथ है। पहली बार वोट डालने वाले जा रहे युवा भी इसको समझ रहे हैं कि अब यूपी को फिर से गुंडों माफियाओं के हवाले नहीं करना है। सोचिए साथियों, जो लोग जो सत्ता खोने के अंधविश्वास के कारण नोएडा जैसे युवा आकांक्षाओं के क्षेत्र में आने से भी कतराते हैं, क्या वो युवाओं के सपनों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जो देश के अपने टीके पर विश्वास नहीं करते, वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करते, जो अफवाहों को हवा देते हैं, क्या वो यूपी के युवाओं के टैलेंट, उनके इनोवेशन का, उनकी कल्पकता का सम्मान कर सकते हैं? यूपी को ऐसी सरकार चाहिए जो अपनी विरासत पर गर्व करे और ज्ञान विज्ञान और आधुनिकता को बढ़ाए। ये काम भाजपा ही कर रही है और भाजपा ही कर सकती है।
बीते 5 सालों में अगर यूपी में अनेकों नए शिक्षण संस्थान खुले हैं, आईटीआई खुली है, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, इतने सारे नए विश्वविद्यालय बने हैं, तो इसके पीछे युवा सपने ही है, युवा आकांक्षाएं ही हैं।